पाए खा के तो मजा आ गया। पाए इज अमेजिंग। कैसी थी भाई? ऐसी पाए नहीं मिलेगी दिल्ली में। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये इनका छोटा सा बुफे का एरिया बना हुआ है जहाँ पे ठीक ठाक सा ब्रेकफास्ट था, पूड़ी वगैरह थी, पराठे थे, चाय थी और साथ में मीठी सेवियाँ और एक फ्रूट था वाटरमेलन। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये खाली एरिया है यहाँ पे, जिधर यहाँ बच्चों का एक प्ले एरिया बना हुआ है और यहाँ पे झूले वगैरह लगे, ट्रैम्पोलिन भी है। बाकी यहाँ से एक बार आपको व्यू दिखाते हैं नीचे, व्यू यहाँ से इतना क्लियर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे कम है, रूम वाली जगह ज़्यादा हाइट पे, इसलिए वहाँ से क्लियर व्यू था। बाकी मौसम अच्छा हो रखा है, अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं तो वेदर काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब धूप निकली हुई है हल्की हल्की, मगर ऐसा नहीं है कि गर्मी लग रही है जैसे, तो अच्छी लग रही है धूप भी काफ़ी। और आप देख सकते हैं बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, और इधर से अगर मैं दिखाऊं तो ये रेस्टोरेंट है, ये ऊपर पार्किंग की जगह है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लैंडोर बाज़ार, हमने स्कूटी ली है दो रेंट पे, एक ये स्कूटी है और एक ये वाली स्कूटी है। तो हमें स्कूटी मिली है 600 रुपये पर स्कूटी का रेंट है, और अभी हमने ये स्कूटी ली है हमने लाइब्रेरी चौक के पास से, तो वहाँ पे लड़के वगैरह खड़े होते हैं, मतलब उनका कोई ऐसे शॉप्स वगैरह नहीं है, तो वहीं पे वो पेड़ वगैरह के नीचे साइड में खड़े होते हैं जहाँ से आपको स्कूटी मिल जाएगी 600 रुपये रेंट से। तो स्कूटी की कंडीशन ऐसी है क्योंकि अभी थोड़ा सीज़न है तो 600 रुपये नहीं, वैसे 400 या 500 में मिल जाती है। तो अभी हम बस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्चून होटल है, उसके पास में ये स्कूटी वाले खड़े होते हैं। तो अभी हमने बस ये ले लिया, तो हम जा रहे हैं लैंडोर बाज, फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो गाइज हम स्कूटी लेके अब ऊपर आ चुके हैं लैंडोर बाज़ार के रास्ते में, आप देख सकते हैं रास्ता कैसा है, और ये ऊपर जाने के लिए स्लोप है, तो स्कूटी में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। और अभी हम यहाँ पे 6 से 8 हज़ार फीट, 6 हज़ार फीट से की ऊँचाई पर हैं, तो यहाँ पर आने का काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम नीचे देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी हाइट पर आ गए हम। और ये नीचे एक क्रिकेट ग्राउंड भी आप देख सकते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मसूरी के अंदर, ग्राउंड में घास नहीं है, बाकी जगह घास है, खेल सही है ना खेलने के लिए, तो मजा, फ्लैट सीमेंटेड पिच बनी हुई है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से भी पूरा मसूरी दिख रहा है, काफी सारे होटल्स वगैरह, और काफी अच्छा व्यू है इधर से देखने के लिए, क्योंकि हम लोग कभी काफी हाइट पे आ चुके हैं। तो बाकी हम ऊपर अभी लैंडोर बाज़ार जा रहे हैं, चार दुकान वगैरह में जाएंगे, वहाँ आपको दिखाते हैं फिर आगे। तो गाइस अब ये देख सकते हैं हम चार दुकान पहुँच चुके हैं, ये मसूरी का चर्च है, अभी चर्च बंद हो रखा है, आई थिंक मॉर्निंग में खुलता होगा, टाइमिंग्स वगैरह तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और बाकी ये चार दुकान है, जिसमें एक ये टिप टॉप टी शॉप है और आगे तीन दुकानें हैं काफ़ी फेमस। तो बाकी अभी हम आगे और जाएँगे, और हमने यहाँ पर खाने को अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो ये यहाँ की काफ़ी फेमस है चार दुकान। इधर ये SBI का एक बैंक भी बना हुआ है, उधर कैफ़े भी है, कैफे लैंडोर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये बाकी शॉप है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग खा पी रहे हैं। तो अभी हम बस यहाँ पे, और एक अनिल्स कैफ़े आगे, और ऐसे यहाँ पे चार दुकानें हैं। यहाँ सो गाइस ये देख सकते हैं आप, कैफ़े डी लैंडोर, एक कैफ़े बना हुआ है और ऊपर एक हार्ट ऑफ लैंडोर, और इधर लाइव म्यूजिक वगैरह होता है, आई थिंक इवनिंग में होगा ये। बाकी इधर ये दुकानें हैं, जैसे ये टिप टॉप की है, अजय प्रोविजन स्टोर, और उधर हिमगिरी कैफ़े, तो ये अनमिक्स कैफ़े, ये आई थिंक बहुत पुरानी दुकान है अंग्रेज़ों के टाइम की। और इधर ये चर्च है, और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, पूरा भरी हुई थी मैंने पी, हमने गोल अभी मंगाई है पीच आइस क्रीम। अच्छा, और ये गिलास पूरा भरा हुआ था, कितने का ये? अच्छा, अभी हमने बाकी जो ड्रिंक्स मंगाई है उसका नाम क्या? मन्नू नाम नहीं पता था, एक देर तो हमने ये ड्रिंक मंगाई है, इसका नाम है आई स्पाइस, पी के बता कैसी है भाई, कैसी है? स्पाइसी है, टेस्टी टेस्टी है, तो एक और बोल दे भाई मेरे लिए भी। तो
बन विद ऑमलेट। हमने ये बन विद ऑमलेट मंगवाया अभी और आप देख सकते हैं काफी टेस्टी है, और जो हमने ड्रिंक पी थी आइस पाइस वो भी बहुत अच्छी है, लुक्स डिलीशियस। चलो स्टार्ट, खा के बताओ भाई कैसा है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने टिप टॉप शॉप पे पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, और ये साथ में ब्रेड बन ऑमलेट। बाकी आपको खा के बताएंगे कैसा है। तो गाइस अब हम यहाँ टिप टॉप शॉप पे खा के आए हैं, हमने पिज़्ज़ा खाया, बन ऑमलेट और ड्रिंक्स। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट काफ़ी अच्छा था, और आप लोग भी जब मसूरी आए तो यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि ये काफ़ी फेमस शॉप्स हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स वगैरह आए हुए हैं। आपको जैसे आप वीडियो में देखेंगे सचिन, काफ़ी सारे स्टार्स, विक्की कौशल वगैरह। तो बाकी हम अब आगे जा रहे हैं बेकरी में, तो आपको दिखाएंगे आगे जाके, फिर आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब हम लंडोर बेक हाउस जा रहे हैं, स्कूटी पर हमने पार्क कर दिया है क्योंकि आगे डिफेंस का एरिया है, तो जान नहीं देते, अब हम आगे जाएंगे 300 मीटर वॉक करके। सो गाइस अब हम बेक हाउस जा रहे हैं वॉक करके, तो हमने वहाँ स्कूटी पार्क करी थी, ये डिफेंस का एरिया है। थैंक यू दिनेश हमें यहाँ लाने के लिए, हम पहली बार आए हैं क्योंकि मैं मसूरी बहुत बार आया हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई केम हियर। और यहाँ पे लोग रहते हैं काफ़ी सारे, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लंडोर की विलेज है एक छोटी सी, ऊपर काफ़ी सारे घर हैं। तो बस हम जा रहे हैं और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी हाइट पे है ये जगह। धीरे धीरे जा रहे हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं बेक हाउस जाके। दे दर वुड्स कैफे भाई, कैफे आई भी अब जाएंगे भाई आगे। ओके फाइनली दिस इज़ द प्लेस। सो गाइज हम यहाँ आ गए हैं लंडोर बेक हाउस में, आप देख सकते हैं कैफे लंडोर हाइट्स, और यहाँ पे सोवेनियर्स की शॉप है, ग्रीन लाइफ बाजार, ऑर्गेनिक नेचुरल एंड हैंडमेड लोकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम विलेज ऑफ उत्तराखंड। और इधर भी शायद ये ए प्रकाश कंपनी है, यहाँ पे चटनी, जैम्स, पीनट बटर, चीज़, पिकल्स एट्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे सिस्टर्स बाजार है, तो हम अभी आगे भी जाएंगे, बाकी फिर आपको दिखाते हैं। और पीछे हमारे लंडोर बेक हाउस है जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो इसलिए अभी हम आगे आ गए हैं। तो बाकी क्योंकि वहाँ काफ़ी रश है, वेटिंग लगी हुई है काफ़ी देर से, फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है खाने पीने को। तो गाइस ये है लंडोर बेक हाउस, आप देख सकते हैं वेटिंग है, तो काफ़ी सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे कार्ड खड़ा हुआ है जो बता रहे हैं, तो अभी यहाँ से केक्स वगैरह खाने की सोच रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे अंदर, और ये इनका मेन्यू है जो इन्होंने बाहर लगा रहे हैं, तो अभी हम इनसे देख सकते हैं। टेबल ले लिया था, टेबल वाले अंदर गए हैं, फूड के लिए